ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे जशपुर की, जहां कुनकुरी थाने में हुई शांति समिति की बैठक संपन्न। आगे चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां युवाओं ने विद्युत विभाग के जेई पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आगे चर्चा करेंगे सोनभद्र की, जहां दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर जशपुर से, जहां कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह द्वारा नवरात्र पर्व के अंतर्गत रावण दहन एवं दशहरा त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुनकुरी थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें कुनकुरी के सभी दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी एवं नगरवासी मौजूद रहे। बैठक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SDM नंद पांडे, तहसीलदार मुखदेव यादव एवं SDOP विनोद कुमार मांडवी बैठक में शामिल हुए। SDM नंद पांडे ने नवरात्र पर्व को लेकर आवश्यक शांति व्यवस्था कायम रखने के दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान थाना प्रभारी सुनील सिंह ने कहा, प्रशासन द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि विसर्जन हो या अन्य किसी भी प्रकार के कोलाहल कार्यक्रम करने की शिकायत मिलने पर हाईकोर्ट के नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको पता है कि अभी नवरात्र शुरू होने वाला है 3 तारीख से, और फिर दशहरा और रावण दहन का कार्यक्रम है, तो उसको लेकर के आज कुनकुरी थाने में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें इस कार्यक्रम में जो पुलिस और प्रशासन से जो समिति को शांतिपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सहयोग चाहिए था, उसका हम लोगों ने आश्वासन दिया, और समिति के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि सारे प्रोग्राम्स को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां भागवत महापुराण कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाला बेहट के बड़ा बाजार में पूर्व प्रधान KP सिंह के यहां सभी तोमर परिवार के सहयोग से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ, तथा कथा व्यास पंडित श्रीकांत नायक ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में भागवत महापुराण की कथा पितरों को सुनाने से उन्हें सुख एवं शांति प्राप्त होती है, और सभी पितृ यानी योनि से निकल कर देव योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने गंगा घाट पर 7 दिन की कथा सुनाई, जिससे उनका मोक्ष हो सके। तब 7 दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा का श्रवण किया और अपना उद्धार किया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर यूपी के महाराजगंज से, जहां सिसवा उपकेंद्र में तैनात JEE के क्रियाकलापों को लेकर आज नगर के सभासद प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा, भाजपा नेता धर्मनाथ खरवार सहित युवा वर्ग का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने क्रमिक अनशन से आंदोलन का आगाज कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजन विश्वकर्मा व धर्मनाथ रखवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिसवा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात JEE द्वारा सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ता गलत बिल को सही करने और नए कनेक्शन के लिए महीनों विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी JEE की लापरवाही से उनका काम नहीं हो पा रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तत्काल JEE का ट्रांसफर कराते हुए विभाग के भ्रष्टाचार की जाँच हेतु 5 सदस्यीय टीम का गठन नहीं किया गया, तो गुरुवार से यह आंदोलन भूख हड़ताल में बदल जाएगा। वहीं संबंध में जब हमारे संवाददाता ने विद्युत विभाग के अधीक्षक से संपर्क किया, तो अधीक्षक साहब ने फोन नहीं उठाया। राजन विश्वकर्मा हमारा नाम है। आज मैं एक उपभोक्ता के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। सिसवा में ये बिजली विभाग जो है, यहाँ पे व्यापक रूप में भ्रष्टाचार होता है। इसके पूर्व में भी मैं धरना बैठा था, जिसमें AC महोदय आए थे और JEE का को जांच JEE के कार्यों का जांच किए थे, और मौके पे जो है उनके खिलाफ जो भी सबूत था वो सब मिला था। पैसे के लेन देन के मामले में उनको पकड़े भी थे। हमसे बोले थे, हाँ सैकड़ों लोग थे, सबके सामने बोले थे कि JEE को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, JEE को हम हटा दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद युद्ध भी JEE हटे नहीं, उसमें जो है और भी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार बढ़ता गया। मेरा नाम धर्मनाथ है, मैं भाजपा का नेता हूँ। पूर्व में भी राजन विश्वकर्मा द्वारा कई बार विद्युत विभाग के लिए आंदोलन किए हैं, आवाज़ उठाए हैं। इसके पहले भी 2 महीना पूर्व भी इन्होंने इसी कंपाउंड में एक बार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें AC महोदय आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भ्रष्ट JEE के खिलाफ उनको हटाकर जांच कर कार्रवाई करेंगे। यही आश्वासन अभी मीडिया बंधु भी थे, आश्वासन दे के चले गए। 2 महीना बीत गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं इनके धरना प्रदर्शन में भी अपना समर्थन देता हूँ। और साथ ही आपके माध्यम से सरकार और
जो भी अधिकारी उनको भी संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि सरकार के मंशा के विपरीत सिसवा खंड में काम चल रहा है, क्योंकि योगी जी कहते हैं 7 दिन में उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जाएगा, मैं यहाँ 3-3 महीने हो जाते हैं कनेक्शन नहीं दिया जाता। इसके पीछे रीजन क्या है ये विभाग बताएगा, मगर मुझे लगता है कि लटकाने और भटकाने के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। अगर भ्रष्टाचार बढ़ावा दिया जाता है तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सारा काम करती है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग है कि सिसवा खंड पर भी ध्यान देते हुए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और साथ ही राजन जी का जो मांग है जेई को हटाकर 1-5 सदस्यीय कमेटी की भी गठित होनी चाहिए, ये मांग है। महाराजगंज से अरुणेश गुप्ता के साथ मनीष कन्हौजिया की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, बापूजी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर करछना तहसील क्षेत्र में जगह जगह तिरंगा यात्रा एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर करछना क्षेत्र के धरवारा में जीएस एकेडमी के प्रबंधक विनय कुमार सिंह के द्वारा स्वच्छता अभियान के माध्यम से बच्चों के साथ साफ सफाई करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। जीएस एकेडमी धरवारा के छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय परिवार मौजूद रहा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां बाइक सवार 5 युवकों की मोटरसाइकिल से आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों की हालत गंभीर है, वहीं गंभीर हालत में उन्हें सीएचसी चौपन से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची चौपन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। वहीं सोनभद्र जनपद के चौपन थाना क्षेत्र सिंदूरिया मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। जी एक्चुअली अभी 3 पेशेंट्स हमारे पास आए हैं और ये बता रहे हैं तीनों ही जो पेशेंट्स हैं वो मलेरिया डोला के रहने वाले हैं, और जिसमें से एक पेशेंट का जो ओम प्रकाश सहनी है, इनकी जो डेथ है ऑन द स्पॉट ही हो गई। हमारे पास ब्रॉडेड आए हैं, जिसमें से एक दिलीप सहनी जो पेशेंट है, इनको हेड इंजरी है, इसके लिए रेफर किया गया है, और विक्की को शरीर में जगह जगह चोट है और काफ़ी दर्द है, इसके लिए भी इनको सीटी स्कैन और आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सर लगभग संख्या कितनी थी चोट जी, पूरी संख्या कितनी थी घायल? मुझे तो जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं वो 3 आए हैं, जिसमें से मौके पे 1 की मौत हो चुकी है। सर 2 बाइकों से सुनने में आ रहा है हादसा हुआ था, ये तो मेरे को इस बारे में कोई संज्ञान नहीं। मेरे पास जो पेशेंट्स आए वो 3 पेशेंट्स आए, 2 पेशेंट जीवित हैं और 1 पेशेंट एक्सपायर। क्या नाम है आपका? रामपति, ये चोट कैसे लगी है? तो भैया सर हम लोग इधर से आ रहे थे, इधर से गाड़ी जा रही थी। अच्छा अच्छा, पहली बाइक था, उसके बाद उसी जगह एकदम बगल में मकान है पौधा वाले मोड़ पे, हाँ उसके उसी जगह हम लोग टकरा गए, हम लोग काट रहे थे वो इधर से स्पीड से थे। आप कहाँ से आ रहे थे? घर से आ रहे थे। घर कहाँ है आपका? जुगा। जुगा से? अच्छा, तो ये हादसे में कोई मौत भी हुई है? मौत का तो नहीं पता, पता आप लोग अभी तक क्या लोग थे? हम लोग 2 लोग। 2 लोग थे? सामने वाले बाइक से टक्कर हुई है? हाँ, वो इधर से आ रहा था। तो मौके पे एम्बुलेंस गई थी? हाँ। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।